देखिए, कल आप हमने दावा किया था कि सरकार गिरेगी और आज देखिए निश्चित रूप से सरकार गिर करके 10 महीना में 10 साल की जो काम नहीं हुआ उसको 10 महीना में हम लोग करेंगे। नल जल की समस्या हो, गली नली की समस्या हो, कूड़ाओं की समस्या हो, आवास योजना की समस्या हो, नाला के निर्माण की समस्या हो, हर वार्ड में हम लोग चाहेंगे कि शहर की जल निकासी हो और जनता को सुविधा मिले। हम लोग के पास अनुभवी मुख्य पार्षद रहेंगी क्योंकि वह 5 साल का कार्यकाल जो है लगभग 15 साल पहले बिताई है और उनको अनुभव है पूरा शहर के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं kositimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा नगर परिषद में हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मुख्य पार्षद सुधा देवी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। विशेष बैठक बुलाई गई थी और करीब 3-4 घंटे की बैठक रही और उसके बाद जो पार्षद लोग बाहर निकले हैं। यहाँ वार्ड पार्षद विनीता भारती हैं जिन्हें हमने के द्वारा इनका दावा था कि सरकार गिर जाएगी, क्या हुआ आज बताइए। देखिए, कल आप हमने दावा किया था कि सरकार गिरेगी और आज देखिए निश्चित रूप से सरकार गिर गई। क्या लगता है नए अध्यक्ष के रूप में मधेपुरा का कितना विकास होगा, कितने सहमत हैं? देखिए, समय कम है लेकिन जो ही समय है उसमें लगता है कि मधेपुरा की विकास बहुत ही तीव्र गति से होगी। तो जिस तरह से रात में हमने आप सबों से सवाल किया था कि क्या कल मधेपुरा में जो मुख्य पार्षद हैं सुधा देवी उनकी कुर्सी गिर जाएगी, तो निश्चित रूप से जिस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जो मतदान हुआ है उसको लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पार्षद महोदय हैं, क्या नाम है सर? अशोक कुमार सिन्हा जी, बताइए कि 5 साल बनाम अब तो 8-10 महीने रह गए हैं, क्या कुछ होगा मधेपुरा? अनुभवी हम लोग के पास अनुभवी मुख्य पार्षद रहेंगी क्योंकि वह 5 साल का कार्यकाल जो है लगभग 15 साल पहले बिताई है और उनको अनुभव है पूरा शहर के बारे में। इसलिए हम लोग को बहुत उम्मीद है कि यह 1 साल का पारी बहुत यह विकास का पारी रहेगा। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब बैठक शुरू हुई, विशेष बैठक बुलाई गई, मुख्य पार्षद नहीं है, कितने पार्षद अनुपस्थित रहे? 4 मुख्य पार्षद के लगा करके 4 पार्षद अनुपस्थित हुए और जिसमें 22 उपस्थित हुए और एक तरफा हुआ। मैंने ये भी ऐतिहासिक है कि एक भी जो है वो विश्वास के विरोध में कोई मत नहीं मिला जी, सब वो विश्वास के पक्ष में मत मिला। तो एक तरफा आपको बहुमत मिली है? हाँ हाँ, और यही जारी रहेगा, ये बढ़ेगा ही संख्या। आप लगातार हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि मधेपुरा नगर परिषद में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो या कचरा उठाव की, साफ सफाई की, इन सब पर आप कैसे आप निजात पाए? नहीं, सारा व्यवस्था है हम लोग का, वहाँ रूटीन वर्क में जो है कमी है, कारण नहीं हो पा रहा है और उसमें और तेजी लाया जाएगा और निश्चित रूप से कचरा हो चाहे जल जमा हो वो सब समस्या का हल हो जाएगा। और ये 4 साल से हम लोग उसी प्रताड़ित का ये रिजल्ट है, लोगों को विश्वास के लिए ये हम लोग अंतिम कदम उठाए हैं। रात में हमने आम लोगों से सवाल पूछा था कि क्या कल कुर्सी गिर जाएगी, अधिकांश लोगों ने कहा कि गिरे या रहे मधेपुरा नगरवासियों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। नगरवासी देखिए, एक्चुअली है कि फायदा के लिए ही काम किया जा रहा है और फायदा हो भी रहा है क्योंकि जिस हिसाब से तीव्र गति से नगर का विकास, नगर का जनसंख्या बढ़ रहा है, उस हिसाब से संसाधन का भी कमी है, मगर हम लोग को जो संसाधन है उसी संसाधन में निश्चित रूप से वो हम लोग उसको समस्या दूर कर देंगे। आरोप पत्र हमने पढ़ा, उसमें मुख्य पार्षद की मनमानी और नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बात उसमें लिखी गई है, उसी का ये नतीजा ना है, उसी को लेकर उसी का ये नतीजा है आज सरकार चली गई। तो भ्रष्टाचार और ये तानाशाही कम होगी? कम होगी, सबके साथ सब तरह का समस्या रहा है, सबके साथ सब। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आज मतदान हुआ है, विशेष बैठक बुलाई गई थी। हमारे साथ हैं पूर्व पार्षद हैं और वर्तमान में पार्षद पति रविंद्र यादव जी हैं। किस तरह से लगता है कि जिस तरह से अब समय बहुत कम रह गया है, तो क्या ये लोग विकास कर पाएंगे जब 4 साल में नहीं हुआ? हम लोग जो हैं सारे पार्षद 2600 पार्षद की विकास का बात करेंगे, जनता हम लोगों के साथ है। 2-4 पार्षद नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हम लोग मिलजुल करके 10 महीना में 10 साल की जो काम नहीं हुआ उसको 10 महीना में हम लोग करेंगे। हर जो नल जल की समस्या हो, गली नली की समस्या हो, कूड़ाओं की समस्या हो, आवास योजना की समस्या हो, नाला के निर्माण की समस्या हो, हर वार्ड में हम लोग चाहेंगे कि शहर की जल निकासी हो
और जनता को सुविधा मिले। पूरा हम लोगों की 5 बजे सुबह से ही सफाई कर्मी काम करे, 2 शिफ्ट में सफाई कर्मी काम करेगा और हम लोग जो है सो सबके राय लेकर के काम करेंगे। ये तो वो वाली बात हो गई लंबा चौड़ा भाषण वाला, चूंकि जो जनता है आपके क्षेत्र की वो तो कहती है कि सभी लोग आते हैं, हर बार यही वादा किया जाता है, कैसे कीजिएगा, क्या कुछ कर रहे हैं अभी जो है मुख्य पार्षद हम लोगों के 4 साल में नगर परिषद में कभी नहीं आया, रोड पर कभी नहीं निकला, इसलिए विकास नहीं हो सका। पार्षद लोग इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाते रहे, समान बैठक बुलाने के लिए कहते रहे, लेकिन वह COVID-19 की बहाना, बीमारी का बहाना बना करके वह जो है सो मीटिंग को और जन समस्या को नहीं सुना। अब हम लोग सुनेंगे, फिर तो पक्ष विपक्ष होगा, नहीं होगा, अब सबके सबको लेकर के हम लोग चलेंगे, पक्ष विपक्ष की बात नहीं रहेगी, सबका काम होगा, सब वार्ड का काम होगा। जल जमाव की समस्या को कैसे देखे? वैसे हम लोग जाकर के उसको जो है सो जहाँ जहाँ वार्ड में पानी की जमाव होती है वहाँ हम लोग बड़ा बड़ा चैम्बर बनाएंगे, वहाँ मोटर लगवाएंगे, उस पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, नदी में डायरेक्ट गिराने की व्यवस्था नहीं, लेकिन रिफाइन करके हम लोग पानी को नदी में डालने का काम करेंगे। मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के जो लोग हैं 2600 वार्ड के, उनका लगातार सोशल मीडिया पर भी एक सवाल था, रात हमने एक शो चलाया था कि क्या कल मुख्य पार्षद की कुर्सी गिर जाएगी, तो लोगों अधिकांश लोगों ने ये कहा कि जनता के लिए तो कोई काम करेंगे नहीं, सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, फिर नए मुख्य पार्षद होंगे, जनता का काम नहीं हो, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप जवाब दें। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, हम लोग प्रत्येक महीना में 26 वार्ड में निश्चित रूप से एक एक वार्ड जाके जाने का कोशिश करेंगे, जनता के बीच में उसकी समस्या को सुनेंगे और उनकी समस्या को सुन करके उसकी समस्या का निदान करने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से रात भर आप लोगों ने इस खबर को शेयर किया और सभी के जहन में यही सवाल था कि इस बार फिर से कुर्सी बच जाएगी या गिर जाएगी, लेकिन इस बार पार्षद सुधा देवी सहित 4 पार्षद आज की इस विशेष बैठक में अनुपस्थित रहे हैं और जो नए पार्षदों के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव में जो एक पक्षीय मत किया गया है, सभी का कहना है कि अब जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उस पर नकेल कसा जाएगा। तो वहीं इसके साथ ही जो नगर परिषद के आम लोगों के लिए विकास की बात होगी, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात होगी, इन सब पर काम किया जाएगा। बरहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए kositimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।